नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी 2015 बीटीसी 2015 बैच के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, तो उसकी सुनवाई हुई है और उसका कुछ आदेश जारी हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, इसलिए क्योंकि ये जो नीचे एक लाइन आपको लिखी हुई है ना, यहाँ से बहुत कुछ सीखना है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको और भी चीजें इस बारे में बताई जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पूरी जानकारी देख लेते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और किस तरीके से याचिका में क्या क्या चीजें रखी गई थी। बहुत ही बेहतरीन याचिका दाखिल की गई है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये आपकी याचिका है, ठीक है, और ये दाखिल किसके द्वारा की गई है ये भी आप समझ लीजिए। ये दाखिल की गई है दोस्तों इंदुभाल तिवारी जी के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इंदुभाल तिवारी जी के द्वारा दाखिल की गई है। और जो है ये कब दाखिल की गई थी, ये दाखिल की गई थी 14 मार्च को, बिना किसी को बताए इसको 14 मार्च को दाखिल किया गया। और इसकी जो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 16 मार्च को हुआ और 21 मार्च को पहली सुनवाई की गई इसकी, ठीक है, और दूसरी सुनवाई जो लगी है वो लगी है 2 मई को। कब लगी है, 2 मई को लगी है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसमें क्या क्या चीजें रखी गई और क्या जो है इसका निष्कर्ष निकल के आया पहली सुनवाई में, तो वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए कोर्ट का जो आदेश आया है, ये आदेश है और इसमें जो है हम लोग याचिका में क्या क्या चीजें सामने निकल करके आई है एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले याचिका में ये बात की गई थी ना कि जो कुल पद है, कितने पद जो है सृजित किए गए हैं, जो सृजित पद है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के, वो कितने हैं, लगभग 5,80,084 पद है, ठीक है। तो ये शिक्षकों के पदों की संख्या, ये किसके हिसाब से निकाला जाता है, तो ये आपको पता है कि शिक्षक और छात्र के अनुसार निकाला जाता है। किसके अनुसार, शिक्षक छात्र के अनुसार निकाला जाता है। तो अगर देखा जाए मानक के अनुसार देखा जाए तो कितने शिक्षक होने चाहिए, 5,80,000 शिक्षक होने चाहिए। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रिक्त सीटें कितनी हैं, ये लगभग 2.5 लाख सीटें रिक्त हैं। ये रिक्त सीटें हैं जो कि सरकार आंकड़ा नहीं देती है, ठीक है, तो ये लगभग 2.5 लाख सीटें जो है ये अभी भी रिक्त है। और ये देखा जाए ना ये 5,80,000 का कितना परसेंट निकल के आ रहा है, तो लगभग 45% निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब 45% निकल करके आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकला, अब हम लोग बात करते हैं जो आरटीई एक्ट है उसकी धारा 26 की, क्या है, धारा 26 की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब उसमें जो है जो 26वां आर्टिकल है उसमें उसमें क्या लिखा गया है कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये जो है सारी चीजें चल रही हैं। अब अगर इसमें हमको शिक्षकों के रिक्त पद रखने हैं तो कितने पद हम रिक्त रख सकते हैं, तो ये जितनी कुल सृजित पद है, ठीक है, जितने सृजित पद हैं उन पदों का हम 10% ही रिक्त रख सकते हैं। कितना, 10% रिक्त रख सकते हैं। तो हम लोग बात करें कि ये कितना पद, लगभग 50,000, अगर मैं बात करूं ना कि सरकार के हाथ में कि वो 50,000 पद को अपने साथ होल्ड करके रख सकता है, लेकिन यहां पर 2.5 लाख के आसपास में अभी सीटें जो है रिक्त है। तो इसी पर सुनवाई करते हुए जो है कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है कि इस मामले पर आप जितनी जल्दी हो सके जवाब दीजिए। अगली सुनवाई कब रखी गई है, तो अगली सुनवाई 2 मई 2023 को रखी गई है। तो ये जो है 2015 बैच के जो प्रशिक्षु बंधु है उनके द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल, एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश की गई है, क्योंकि आपको पता है कि 23 मार्च से आप ही के साथियों के द्वारा एक अनवरत धरना शुरू किया गया है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से दबाव बनाना जरूरी है, ये जो कोर्ट के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है ये कानूनी तौर पर हो गया, ठीक है, ये कानूनी तौर पर, और धरने के माध्यम से क्या किया जा रहा है, धरने के माध्यम से जो है ये मानसिक रूप से एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है ना। तो दोनों तरीके से जब आप सरकार को घेरेंगे तो कुछ तो फायदा आपको इसका निकलेगा, कुछ नहीं तो प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। जैसा कि अभी डीजी से वार्ता में बात हुई थी ना, आप ही के प्रशिक्षुओं के द्वारा बात हुई थी कि डीजी ने कहा कि अभी कोई जो है भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, अभी नया शिक्षा आयोग जो बन रहा है ना,
वो अभी प्रक्रिया में है, तो हो सकता है कि इन सब चीजों से ये प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाए। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जो ये आपके साथी है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का समय आ गया है। अब सरकार को वहां पर जवाब देना है, कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। तो ये एक अच्छा मौका है कि अगर आप लोग एक बेहतरीन प्रयास करते हैं, यहाँ धरने का भी सपोर्ट करते हैं, तो सरकार के ऊपर एक दबाव थोड़ा सा बनेगा ना, कि सरकार जो है इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करेगी। हो सकता है कि कोर्ट में ये भी मामला है कि हाँ अब हम लोग विचार कर रहे हैं इस पे। तो ये आपको क्या करना है, जो आपके ये साथी हैं इन सभी का आपको सपोर्ट करना है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही चीज कही थी कि आप इनका सपोर्ट करिए, इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप उनसे बात करिए, किस तरीके से उनका सपोर्ट करना है, आप उनके साथ उनका साथ दीजिए, क्योंकि आप ही के भरोसे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कल मैंने ये वीडियो भी आपको बनाई थी ताकि आप लोग थोड़ा सा तो मोटिवेट हो, आप उनका साथ दें, कुछ तो साथ दें। आज भी ये 25 मार्च को भी ये लोग वहीं पर बैठे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि एक अच्छा मौका है। आप वहां कोर्ट में दाखिल करने से पहले, जवाब दाखिल करने से पहले सरकार के ऊपर इतना दबाव बना लीजिए कि सरकार वहां पर आपके पक्ष में जवाब जाकर के दे। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए आपके लिए। बाकी ये पूरा जो भी मामला था मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों का साथ देंगे, वैकेंसी के लिए साथ देंगे। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी उतर के आएंगे कि ये जो है ऑनलाइन केवल बैठ करके ही बात कर रहे हैं। देखिए भाई, मेरा सीधा सा एक ही फंडा है कि अगर मैं वहां पर नहीं आ सकता तो जितना भी मेरे पास साधन उपलब्ध है उसके माध्यम से मैं इतनी सहायता आप लोगों की कर सकूं कि मैं भी अपना योगदान उसमें दूं। देखिए, मेरे एक वीडियो से अगर वहां पर 10 लोग भी पहुंच जाते हैं तो भी ये एक मेरा योगदान समझिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही करके अगर आप लोग को 100 लोग इस तरीके से सहायता करने वाले मिल जाएंगे ना, तो 1,000 की संख्या आपके पास वहां पहुंच जाएगी। तो ये चीज आप समझिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये होता है केवल कि आपका जो है किसी भी तरीके से आपकी सहायता की जाए, और मैं आप लोगों के साथियों से बराबर टच में भी रहता हूं, बातचीत भी मेरी उनसे होती रहती है कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी सहयोग जरूर करिए। और बाकी रही मेरे क्लास की बात, तो जितने भी आप यूपीटेट सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। बीच में मैंने क्लासेस शुरू की थी लेकिन फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पा रही है। ये वीडियो भी देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर ही केवल रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उस तरीके से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो मैं जैसे ही, अब बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जैसे ही सारी चीजें मेरे साथ सही हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ क्लास के माध्यम से भी जुड़ जाऊंगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग मेहनत पूरी करिए, वैकेंसी लाने के लिए भी अपने दोस्तों का साथ दीजिए, दोनों तरीके से साथ दीजिए, और पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।